ऊपर खासकर फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है रोर और पूरी कास्ट इस समय यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे डायरेक्टर साहब के पास। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने अपने एक्टर्स को एक्शन बोला, वो तो उन्होंने काम जो किया है बेहतरीन, वो तो हमें फिल्म में दिखेगा, लेकिन आपने जब शेरों को एक्शन बोला, उनका रिएक्शन थोड़ा सा जानने का। आप शेरों को एक्शन नहीं बोलते हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं साइड में और वो जो ट्रेनर है बोलता है और कुछ साइन करता है, तो कैमरा ऑन कर कर आप चुपचाप उधर वहाँ बैठिए। नहीं, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टाइगर्स के साथ शूट करना। हमने हमने तीन बंगाल टाइगर्स इस फिल्म के लिए ट्रेन किए। ये टाइगर्स लॉस एंजलिस में ट्रेन हुए थे और वहीं पर शूटिंग भी हुई थी उनके साथ। एंड ये एक बहुत एक नयाब किस्म की शूट है। इट्स अ वेरी यूनिक शूट टू वर्क विद टाइगर्स। बहुत लोगों की ज़िंदगी में, मतलब आपने कहीं दूर से एक टाइगर देख लिया, आपने फ़ोटो ले लिया, उसका आप ब्लो अप बना लेते हैं, बट वी गॉट द चांस टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद थ्री बंगाल टाइगर्स। इट वॉज अ वेरी प्री प्लान शूट जहाँ सारे स्टोरी बोर्ड्स के हिसाब से उन्होंने ट्रेन किया गया था। बट आई थिंक उतना ही एक्साइटिंग था सुंदरबन में शूट करना विद एक्टर्स, क्योंकि हमारा जो यूनिट था 150 का यूनिट, हम कुछ चार जहाज़ पर हम लोग ठहरे हुए थे कोर टेरिटरी के अंदर जहाँ पर टाइगर्स थे, जो वाइल्ड टाइगर्स थे। रोज़ हमें पगमार्क्स दिखते थे शूटिंग पर जाते हुए, पानी में मगरमच्छ थे, पैरों के बीच में से सांप निकल जाते थे। तो रॉर जो हमारी फिल्म है, वो जितनी बड़ी एक्शन एडवेंचर कैमरा के सामने है, उतनी ही बड़ी एक्शन एडवेंचर कैमरा के पीछे भी है। बात है। और अब चलते हैं द ब्यूटीफुल के पास। आप हिमांशी, आई वांट टू आस्क यू, सी दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, सो व्हाट वाज द फर्स्ट, आई वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, सो व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट? फॉर मी द टफेस्ट पार्ट वाज प्रोबब्ली, यू नो, इट एक्चुअली वाज द होल थिंग, the whole thing, but it was really exciting. I mean, for me, probably the command of the language, because you're in hostile territory and, you know, you have these light constraints. So, you know, you have a limited amount of hours to shoot your scenes, and there's no time for, oh, I forgot my lines. Oh, no, what is that? I can't mug it up in English. It was, so for me, it was, you know, that whole process. But living in the jungle itself, I loved it. I mean, having to, you know, go behind trees because there weren't actual toilets and no running water. You were with 150 males. Yes, there were only four women on the whole, on those four or five ships, and two of them were the actresses, Nora Fateh and myself, Himanshu Venkatswamy. So, you know, it was really tough. You are surrounded by men in a jungle, there's no way to swim to, you know, in the middle of nowhere. So, you know, that was quite tough, but I loved it. I had scenes where I had to jump into a crocodile and snake-infested water and, you know, swim for my life. We were running in the most beautiful forest. We were up at 3 a.m. On set just as the sun was coming up, you know, seeing the most beautiful sunrises and sunsets and every star above. And it felt like a fantasy. You know, it really did feel like a fantasy, but once you see what we captured on screen, you guys will know exactly what I'm talking about. अभी आप आपके पास चलते हैं, आप बताइए सबसे नॉटी पूरे सेट में कौन था, जो शूटिंग खत्म होते ही कुछ प्रैंक करता था या किसी को तंग करता था सबसे ज्यादा? इससे ज्यादा और कोई नहीं था। आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, गलत इंसान से लगता है, तो मुझे लगा वो अपना नाम लेने वाले हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा है। मैंने तो इतनी शराफत से शूट किया सर, मैं तो टाइम पे तो नहीं, बट 5-10 मिनट लेट हो जाता था कभी कभी, बट इट वॉज फन। हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे, और हमारा एक कैरेक्टर है अली करके, हीरो, हिज नेम इज़ अली एक्चुअल नेम, तो वो बहुत ही रंगीन किस्म का आदमी है, तो हम उसको लेके बहुत प्रैंक्स खेलते थे उसके साथ। आप प्रमोशन के लिए आए हैं, अब 31 को मूवी रिलीज होने वाली है, आप लोग सबसे ज़्यादा अब क्या मिस करने वाले हैं फिल्म के बाद, आपस में जितना आप लोग रहे, सुंदरबन का एक्सपीरियंस रहा, सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाले हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आई थिंक हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट बना रखा है, उस पर सब लाइव रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने आज क्या किया, मैंने क्या किया, हम पिक्चर्स डालते रहेंगे, हमारी जो मीडिया कवरेज है हम उसकी यू नो फोटोग्राफ सेंड करते हैं, हम किसी इवेंट पे जाते हैं वहाँ पे, सो वी कीप चैटिंग ऑन द ग्रुप चैट, सो आई थिंक एवरीबॉडी विल मिस द ग्रुप चैट। ऑफ कोर्स, आई मीन दिस इज, यू नो, दिस इज नॉट लाइक एनी फिल्म, बिकॉज वी वर literally it felt like survivor. We were out in the middle of nowhere with this crew together, stuck with each other for 6 weeks without internet access, without phone signal, without anything. So I think that bond that we, you know, made and grew together is something that, you know, is absolutely wonderful and so interesting, because we got to feed off, you know, to use that within the film.
except that you know you can't really climb over a wall. You know, there's no way really to run. You're in the middle of nowhere. What are you gonna miss? I'm going to actually miss this whole process of the tiger, matlab, and of our actors and of the editing and ye sara jo unit ek saath jo aaya hai, and you know we worked so hard for a couple of years. Everyone's been so anxious and excited ki ye taiyar kab hogi, iske effects kab khatam honge. You know, it's been such a long wait. It's going to get over, and I think we'd all got used to this waiting period. We'd all got used to you know, connecting with each other, like Himasha says. That waiting is over. Film abhi lagne wali hai. Audience is going to see it. I hope we get a chance to. I hope we all do a film together again, because I think hamare pure unit mein, ek group mein, ek aisa bond bana hai. And as actors, Abis and I believe, jo cast humne sign ki hai, will be very successful. They're very professional actors, and they're very talented actors. So you know, we are hoping that we get a chance to work with these actors again, and the group stays the same together. Yeah. They say the best part of the journey is the journey itself. So what we're gonna miss is the whole process, yeah. The whole journey. Ek bar film release ho jayegi, the journey ends, but we'll always cherish those memories. They're like amazing memories. तो मैं चाहती हूँ कि आप तीनों कुछ एक साथ कुछ ऐसा, मतलब एक फिल्म का छोटा सा कुछ ऐसा दर्शकों को बताएं जिससे पूरा हमें समझ में आ जाए कि फिल्म में हम क्या देखने वाले हैं. कुछ तीनों साथ. We'll all three tell you. We'll all give you one reason why you should see this film. मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी तीनों आपको, हम तीनों एक एक रीज़न देने वाले हैं जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी. और जो पहला रीज़न जो मैं देना चाहता हूँ कि इट विल बी द मोस्ट एंटरटेनिंग, एज ऑफ द सीट, नेल बाइटिंग फिल्म यू हैव एवर सीन ऑन इंडियन स्क्रीन. An absolute fantasy brought to life on the silver screen. It's going to be thrilling, entertaining, exciting. You're going to see everything and more than you could possibly get into in a film. So guys, Raw, Tigers of the Sundarbans, October 31st. Book your tickets now. मेरे डैड एक छोटे से गांव से हैं, विच इज़ इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, शिवालिक्स. वहाँ पे उनके दादा के किसी दोस्त ने कभी बाघ देखा था, यू नो, लेपर्ड. वो कहानियाँ मैं आज तक सुनता आया हूँ, सिर्फ देखा था उन्होंने. हमारी फिल्म में तो देयर इज़ अ टाइगर, टाइगर इज़ डूइंग द एक्शन. टाइगर का कब है, उसकी इमोशंस हैं, उसकी इंट्रैक्शन विद ह्यूमंस है, और बहुत सारा एक्शन और थ्रिल है. सो व्हाई नॉट. क्या बात है, आपकी फिल्म को ऑल द बेस्ट, और हमारी बहुत सारी दुआ आपके फिल्म के साथ है. 31 अक्टूबर को बिल्कुल सिनेमा घर में पहुंच जाइए, और ऐसी शेरों वाली फिल्म कोई जरूरत नहीं है जू जाने की, क्योंकि यहीं आप पूरे जू का मजा लेने वाले हैं. कैमरा पर्सन पंकज के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट.